किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, अलग अलग प्रदेश से आए, यूपी से लोग आए। आपने कहा देखिए आपने यूपी में सिर्फ दो दिन दिए हैं। असम के लोगों ने कहा आप असम नहीं आए, उड़ीसा के लोगों ने कहा उड़ीसा नहीं आए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा नॉर्थ ईस्ट नहीं आए। आपको दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए और इसीलिए हम मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकले हैं और आज हम आज आपके सामने इसलिए हाजिर। यात्रा का लक्ष्य वही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और इस यात्रा में हमने एक शब्द जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्योंकि हमें लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। देश में किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं और इससे लोगों को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है और इसीलिए देश में नफरत और हिंसा फैल रही है। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर इसके बारे में टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा। कभी टीवी में आपने देखा है कोई पत्रकार कह रहा है कि भैया देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, कभी देखा? मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, पाकिस्तान के लेक्चर दे देंगे, मगर बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में आपको मीडिया में नहीं दिखने वाला। क्योंकि आपका है ही नहीं, यह अडानी का है। अच्छा, राम मंदिर का आपने फंक्शन देखा? आपने देखा होगा, टीवी पे देखा, राम मंदिर में नरेंद्र मोदी आपको दिखे? दिखे? अच्छा मुझे बताओ, राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? अंबानी और अदानी दिखे? हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे? बीजेपी के दो तीन नेता आपको दिखे? आदिवासी प्रेसिडेंट आपको दिखे वहां पे? राष्ट्रपति के लिए जगह नहीं थी, गरीबों के लिए जगह नहीं थी, मजदूरों के लिए जगह नहीं थी, बेरोजगार युवाओं के लिए जगह नहीं थी। मोदी जी के लिए, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए लाल कालीन लगा हुआ था। सच्चाई है भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए मजदूरी का रास्ता खुला है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रास्ता खुला है, बेरोजगारी का रास्ता खुला है, भूख का रास्ता खुला है। अगर आप अरबपति हो, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हो, जो भी आपको जमीन चाहिए ले लो, जो भी एयरपोर्ट चाहिए ले लो, रेलवे चाहिए ले लो, मोबाइल फोन जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा।
परसेंट वाला, उस पर ये प्राइवेट अस्पताल हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो हिंदुस्तान आपको टीवी पे दिखेगा, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखेंगे, इंडिया की क्रिकेट टीम दिखेगी। वहां आपको एक भूखा नहीं दिखेगा, वहां आपको एक बेरोजगार नहीं दिखेगा, आपको एक अग्निवीर नहीं दिखेगा। तो ये दो हिंदुस्तान है भाई और बहनों। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम आपके साथ न्याय की बात करना चाहते हैं, देश को जोड़ने की बात करना चाहते हैं, एकता की बात करना चाहते हैं। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं देते, आपके बीच में आते हैं, 6-7 घंटे आपके साथ बातचीत होती है। जो भी किसानों के दिल में होता है, बेरोजगार युवाओं के दिल में होता है, मजदूरों के दिल में होता है, छोटे व्यापारियों के दिल में होता है, आप खुल के हमें बताइए। 7-8 घंटे आप अपनी बात रखिए, उसके बाद शाम को 15 मिनट हम अपनी बात रखते हैं। जो आपने हमें बताया, जो हम सीखे, जो आपका दर्द है, जो आपके दिल में दुख है, उसको हम अपने स्टेज से आपके सामने रखते हैं। लक्ष्य है कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और देश की जनता एक साथ खड़ी हो जाए। अंत में भाइयों और बहनों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा भाई को भाई से लड़ाती है और आपके जेब में से धन निकालकर 2-3 अरबपतियों को पकड़ा देती है, और दूसरी विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है, और जो आपका हक है, आपका जो धन है, वो आपके हवाले कर देती है। यही राजनीतिक लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है। और भाई और बहनों, बात समझनी है तो दो ही मुद्दे हैं हिंदुस्तान में, बेरोजगारी और महंगाई, ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। और तीसरा मुद्दा सामाजिक न्याय का मुद्दा, इन चीजों पे हमारी बातचीत होगी। आप सब आए, आपने अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं।